कोट ब्लॉक के देहर चौरी स्थित मंजू घोषेश्वर महादेव मंदिर में दो दिवसीय कांडा मेला का समापन हुआ। इस दो दिवसीय मेले के पहले दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। वहीं आपको बता दें कि दिवाली के बाद लगने वाला ये मेला पहले पशु बलि के लिए जाना जाता था, लेकिन वर्तमान समय में पशु बलि को समाप्त कर अब मंजू घोष भगवान शिव का अर्पित किया जाते हैं। वहीं आपको बता दें कि मंजू घोष कांडा मेला जो पौड़ी से 40 किलोमीटर दूरी पर है, वहीं समुद्र तट से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई में स्थित कांडा गांव में आयोजित होता है। बता दें कि हर साल दीपावली के दूसरे दिन से मेले का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस साल अमावस्या के कारण ये मेला एक दिन बाद शुरू किया गया, जिसमें टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, श्रीनगर, चमोली जिले से लोग पहुंचे। पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट। सही है, इस समय कोविड के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लोगों का यहाँ पर दर्शन के लिए आना हो रहा है। इसके लिए हमारे तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सबसे बड़ी चैलेंज यहाँ पे पार्किंग का रहता है, जिसको लेकर हमने अलग से एक सेक्टर बनाया है, जिसमें प्रॉपर हम लोगों ने पार्किंग की जगहों को तलाश किया था पूर्व में ही। एक धार्मिक भावना तो है, एक स्पिरिचुअल अध्यात्म धार्मिक तो लोगों में है, और वही सारे संसार को चला रहा है, जो कि मतलब एक मान्यता है। देखो, दो तीन साल से लोग कोविड से ग्रस्त थे, बड़े वो थे, कुछ वो हुए, बड़ा उन्होंने दो तीन साल बड़ा किया। उन दिनों ये मेला बहुत कम लगा, तो इतना भीड़ भीड़ के अब दो तीन साल से लोग थोड़ा उससे लोगों का विश्वास हुआ हर चीज़ का। जैसे ये बहुत प्राचीन मंदिर है मंजू घोष, बहुत प्राथमिकता से लोग यहाँ पे आते हैं, बड़ी श्रद्धा से लोग यहाँ पे आते हैं, और आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि जिस तरीके से जन सैलाब यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इससे लगता है कि सभी लोगों के मन में किस प्रकार से देवी माता के लिए आस्था है, और भगवान ये माता सभी का कल्याण करेगी, ऐसी हम कामना करते हैं। और जो कि नहीं, एक तो ये हमारे मायके की देवी है, हमारा मायका इधर पड़ता है, तो हम लोगों की जो ये जब हमारी शादी जाती है, उसके बाद बच्चे वगैरह होते हैं, तो हम उनको मन्नत मान करके यहाँ छत्तर चढ़ाने के लिए आते हैं। जमाने में मेले चढ़ाए जाते थे, बलि प्रथा होती थी, अब धीरे धीरे वो समाप्त हो गया है, काफ़ी साल हो गए।